दोस्तों आज खेला गया आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में आज हमें शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन पारी देखने को मिली। केकेआर की तरफ से बैटिंग करते हुए शार्दुल ठाकुर ने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए कि पूरा स्टेडियम लॉर्ड शार्दुल के नाम से गूंजने लगा। और वहीं दोस्तों केकेआर की तरफ से रिंकू सिंह ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। इन दोनों ने मिलकर केकेआर को एक बढ़िया मजबूत स्थिति में डाला। लेकिन दोस्तों इसी आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच में एक ऐसा वाक्य हो गया जो सभी को काफी ही ज्यादा हैरान कर रहा है। कोई भी खिलाड़ी इस वाक्य के बारे में गलती से भी नहीं सोचा हुआ था। लेकिन आखिरकार खिलाड़ियों को जिस चीज का डर था वही बाद में हुआ। और फिर आगे चलकर बीसीसीआई और आईपीएल ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी खबर भी बन चुकी हुई है। दोस्तों आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा और ये आईपीएल और भी बढ़िया हो सकता है। आपके एक लाइक से आईपीएल में जितनी भी सारी चीजें गलत हुई हैं वो भी सही हो सकती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बिना किसी देरी के विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज जो आईपीएल मैच खेला जा रहा है वो आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में, साफ शब्दों में कहा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ये मामला उतना ही बेहतरीन है जितना बेहतरीन इसे होना चाहिए था। इस मैच का टॉस जीती है बैंगलोर की टीम और पहले बॉलिंग करने का निर्णय करती है। शुरुआत में ये चीज आरसीबी के लिए काफी बढ़िया भी साबित हुई। आरसीबी के बॉलर्स ने शुरुआत में शानदार बॉलिंग करके 80 रन के अंदर ही 5 विकेट गिरा दी। आरसीबी की टीम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि शार्दुल ठाकुर के नाम से भी एक बंदा है जो कि काफी बड़ी बड़ी हिट्स मारता है। हालांकि दोस्तों शुरुआत में रहमानुल्लाह गरवाज ने भी शानदार पारी खेली, लेकिन बाद में आकर शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन पारी खेली और फिर केकेआर को एक मजबूत स्थिति में डाल दिया। केकेआर के बैटर रिंकू सिंह ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन बनाए, जिसमें रिंकू सिंह ने 3 छक्के और 2 चौके लगाए। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर 29 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बनाए। इन्हीं दोनों के ही शानदार बल्लेबाजी की वजह से केकेआर की टीम एक बेहतरीन स्कोर बना पाई। अब दोस्तों आगे देखने वाली बात है क्या केकेआर की टीम इसे डिफेंड कर पाती है या फिर नहीं। बहरहाल दूसरी तरफ आरसीबी की टीम के पास भी काफी धुरंधर बल्लेबाज भर रखे हैं, ऐसे में ये स्कोर तो चेजेबल है ही। बाकी आप लोग अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में करके जरूर बता सकते हैं।